जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। मित्रों, मैं पंडित महेश भारत धाम वृंदावन से, हमारा यूट्यूब का चैनल ज्योति सेवा वृंदावन, उसी चैनल के माध्यम से मेरे जितने भी प्यारे दर्शक हैं, मैं सभी का स्वागत करता हूँ। मेरे इस चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत। सभी सुखी रहें, सभी निरोगी रहें, सब के घर मंगल कामना हो, मंगल कार्य हो और सभी सुखी हों। हमारी नववर्ष, पाश्चात्य नववर्ष 2024 की आपको शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहें, आप सुखी रहें। बात करेंगे आज सिंह राशि की। जनवरी, फरवरी, मार्च, ये शुरू के जो 3 महीने हैं 2024 के, सिंह राशि वालों के लिए कैसे रहेंगे। सिंह राशि एक ऐसी राशि है, इसको स्वाभिमानी राशि कहा जाता है। ये अपने दबंग प्रभाव के लिए बहुत मशहूर हैं। स्वाभिमानी, ईमानदार, रौब वाले, अपनी बात पे कायम रहने वाले, अड़ग रहने वाले, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये लोगों के हितैषी होते हैं। अन्याय बर्दाश्त नहीं करते, ना किसी के साथ अन्याय करते हैं, न्याय के साथी होते हैं। इनको प्यार से तो दबाया जा सकता है, लेकिन किसी तरह का रौब दिखा के या कोई धमकी दे के, डरा के इनको नहीं दबाया जा सकता। ऐसी राशि होती है ये, सॉरी, सिंह राशि। नाम सुनते ही एक सरसराहट सी शरीर में होने लग जाती है। कारण क्या है कि सिंह राशि के जो स्वामी है, हमारे ग्रहों के राजा हैं सूर्य देवता, और उनकी राशि का जो प्रतीक चिन्ह है वो शेर है। और शेर तो आप जानते हैं कि शेर तो शेर होता है। आज बात करेंगे उसी सिंह राशि वाले जातकों के लिए कि आगामी 3 महीने 2024 के शुरुआत में कैसे रहने वाले हैं, किन किन ग्रहों का बड़ा बदलाव होने वाला है, जो सिंह राशि वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। पहले बात करते हैं गुरु बृहस्पति की। देखिए, गुरु बृहस्पति सिंह राशि के लिए पंचम और अष्टम भाव के स्वामी बनते हैं। पंचम भाव इनकी धनु राशि, अष्टम भाव में इनकी मीन राशि होती है, और भाग्य भाव में पिछले काफी समय से ये गोचर कर रहे हैं। मतलब पंचम भाव का स्वामी भाग्य में बैठा हुआ है, पंचम का स्वामी पंचम से पंचम भाग में गोचर कर रहा है। भाग्य के कारक भी होते हैं ये, और भाग्य के कारक होने के साथ साथ ये पंचमेश भी हैं। तो इन गुरु महाराज का जो कालचक्र कुंडली में गोचर है वो करीब 12 साल का होता है। तो ये अभी जहाँ गोचर कर रहे हैं भाग्य में, यहाँ पर ये 12 साल के बाद आए हैं, और आगामी समय में ये 12 साल के बाद ही फिर इस राशि में आएंगे। मतलब इसका जो पूरा चक्र है कुंडली का 12 साल का होता है भ्रमण, और 12 साल के बाद ही फिर दोबारा इस राशि के अंदर आएंगे। ये भाग्य के कारक ग्रह होते हैं। पहले बात करें गुरु क्या है। देखिए, गुरु ज्ञान है, गुरु विवेक है, गुरु संतुलन है, गुरु जीव कारक है, और कुंडली के करीब 6 भावों के ऊपर गुरु का कारतत्व है। लगन पे व्यक्ति को ज्ञानी बनाते हैं जी। दूसरे भाव में धन के कारक हैं, पंचम भाव में संतान के कारक हैं, विद्या बुद्धि के कारक हैं, भाग्य भाव में भाग्य के कारक हैं, दशम भाव में ये कर्म के कारक हैं, राज्य के कारक हैं, और 11वें भाव में ये लाभ के कारक हैं। तो इस प्रकार करीब करीब 6 भावों को कुंडली का, मतलब 12 भावों में से आधी कुंडली के ऊपर इनका आधिपत्य होता है। गुरु वो चीज है। ये सबसे प्रबल ग्रह हैं, सबसे शुभ ग्रह हैं, सबसे बड़े ग्रह हैं, और सबसे सौम्य ग्रह, इनके बराबर कोई भी नहीं है। तो गुरु का मुकाबला कोई नहीं कर सकता, वो तो सबसे बड़े और सबसे सौम्य और सबसे ज्यादा ज्ञानवान और सूझवान ग्रह हैं। गुरु काफी समय से बकरी चल रहे थे। 31 दिसंबर 2023 को साल के आखिरी दिन पिछले साल ये मार्गी हुए हैं, और 1 जनवरी से इनका जो प्रभाव है वो सिंह राशि वालों के लिए मार्गी होगा। यानी भाग्य में जो जो अड़चने आ रही थी, गुरु के मार्गी होते वो सारी अड़चने समाप्त हो जाएंगी, और गुरु वहां बैठ करके शुभ फल देना
शुरू कर देंगे। पंचम का स्वामी अपने से पंचम में गोचर यानी संतान पर किससे लाओ, संतान को लाभ, शिक्षा से लाभ, विद्या बुद्धि से लाभ, ये सब आपको भाग्य के द्वारा प्राप्त होगा। कब होगा? 1 जनवरी के बाद, क्योंकि इन सब का जो कारक है और स्वामी है वो भाग्य भाव में बैठा है। यहां से गुरु की दृष्टि लगन पर जाती है, पहले भाव पर आपकी जो सिंह लगन है, सिंह लगन को गुरु यहां से बैठकर देखते हैं। यहां आपका मान सम्मान बढ़ाएंगे, आपका यश बढ़ाएंगे, आपकी पर्सनैलिटी में 4 चांद लगाएंगे। आप जो निर्णय लेने की क्षमता आप में पीछे काफी समय से कम थी, निर्णय सोच विचार के नहीं ले पाते थे, निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाएंगे। और 1 जनवरी से शुरू होगी ये बृहस्पति की यात्रा, जो मार्च तक जारी रहेगी, पूरा 3 महीना, जनवरी फरवरी मार्च, आपके लिए 3 महीने बृहस्पति के द्वारा बहुत ही अच्छा प्रभाव देने वाला समय है। गुरु बृहस्पति आपको सप्तम दृष्टि के द्वारा आपके तीसरे भाव को देखते हैं, जो बल पराक्रम का भाव होता है। यहाँ पर आपको ये कर्म करने के ये पावर आपको यहाँ से प्राप्त होगी, आपका जो पुरुषार्थ है बढ़ा चढ़ा रहेगा, आपकी जो पराक्रम है वो बढ़ा चढ़ा रहेगा। और आप अगर कम्युनिकेशन, मीडिया, मार्केटिंग इस फील्ड में कोई काम करते हैं तो आप अपना अच्छा काम करवाएंगे, क्योंकि जब एक फुर्ती होती है शरीर में, ऊर्जा होती है, उत्साह होता है, तो आदमी अच्छा काम कर पाता है। तो गुरु यहाँ आपके प्रसाद को बढ़ाएंगे, और प्रसाद बढ़ेगा तो आप कितना भी कठिन से कठिन कार्य हो उसको आराम से कर पाएंगे। बात करेंगे मंगल देवता की, क्योंकि मंगल बहुत ही कारक ग्रह हैं, चतुर्थ भाव के स्वामी बनते हैं और भाग्य भाव के स्वामी बनते हैं। जनवरी के महीने में मंगल देवता जो शुरू होगा तो ये अस्त है, ये पीछे काफी समय से अस्त चल रहे हैं, तो ये जनवरी के शुरुआत में अस्त हैं, और 16 जनवरी को ये पूर्व दिशा में उदय होने वाले हैं। 16 जनवरी को रात्रि करीब 1:54 पे हमारे पंचांग के अनुसार ये उदय हो जाएंगे, और भाग्य से अगर अच्छा है तो सब कुछ आराम से आसानी से आपको प्राप्त हो सकता है। सूर्य आपका लगने से, और 15 जनवरी को ये सूर्य भी पीछे दक्षिणायन हो रहे थे, लेकिन 15 जनवरी के बाद में मकर संक्रांति के बाद में ये भी उत्तरायण हो जाएंगे, और उत्तरायण ग्रह बलि होता है, दिशाबलि होता है, तो आपके लिए वो लाभदायक रहेगा। उत्तरायण बलि जो ग्रह होता है वो शुभ भी होता है। भाग्य उदय करेगा, भाग्य से आपका मंगल है, मंगल से जो भी रिलेटेड काम होते हैं आपके जो भाग्य है उसमें जो काम आपके जो मंगल के रिलेटेड होते हैं उसमें भाग्य आपका साथ देगा। और मंगल से रिलेटेड कार्य क्या होते हैं कुछ 2-4 काम मैं बता देता हूँ, बाकी बहुत सारे काम होते हैं, मैं आपको कुछ मेन मेन कामों की सूची बता देता हूँ। पहला काम होता है कंस्ट्रक्शन का, अगर आप कहीं भी कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं मकान में या रोड पर या कहीं पर भी, उसमें आपको लाभ देंगे। रियल इस्टेट का अगर काम करते हैं तो उसमें आपको लाभ मिलेगा, और उसके बाद जमीन जायदाद के ऊपर कोई काम करते हैं तो उसमें आपको लाभ मिलेगा। आप आर्मी में हैं, मिलिट्री में हैं, पुलिस में हैं, उसमें कोई काम करते हैं या आपकी वहाँ जॉब है तो आपको उसमें उच्च पद मिलेगा, अच्छा आपकी प्रशंसा होगी, ऊर्जा के साथ आप काम करेंगे, आपका भाग्य साथ देगा, आपको वहाँ एक प्रमोशन भी मिल सकता है। ये जो काम है या मंगल का उदय ना, उन सभी कार्यों के लिए, इनसे करने वालों के लिए शानदार होगा, जो ये कार्य करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा होगा। इस समय मकान लेना हो, आपको मकान बेचना हो, कोई वाहन खरीदना हो या बेचना हो, ये सब काम आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे मंगल के उदय होते ही, क्योंकि मंगल भाग्य से, और भाग्य से उदय होगा तो भाग्य में जो जो लिखा है आपको हर चीज़ आसानी से प्राप्त होना शुरू हो जाएगी। गुरु सूर्य मंगल की युति, क्यों गुरु आपका भाग में बैठा हुआ है और उसके साथ सूर्य मंगल की युति उनके घर में हो रही है, बृहस्पति के घर में, तो यहाँ एक राशि परिवर्तन भी हो रहा है मंगल और बृहस्पति के बीच में, तो आपको ये डॉक्टर बनाने के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। साथ में अगर शनि भी आपका शुभ हो तो आप निश्चित रूप से डॉक्टर बन सकते हैं। मेडिकल विभाग में काम करने वालों के लिए ये उनका भाग्य साथ देगा, उनके लिए बड़ी सपोर्ट करेगा इस मामले में। अगर आप नेट की तैयारी करें तो इस मामले में आपको ये जो युति है बहुत अच्छी रहेगी आपके लिए, और बृहस्पति आपको बड़ा साथ देगा। हमारे शास्त्रों में भी कहा है
कि भाग्यम फलती सर्वदा, हमेशा भाग्य फलता है। भाग्य आपका उदय हो रहा 16 जनवरी को, तो 16 जनवरी के बाद में जब भाग्य उदय होगा तो भाग्य से संबंधित जो जो चीज़ें होती हैं जिनका हम विचार करते हैं वो सारी चीज़ें, वो सारे काम, सारी वस्तुएँ आपके लिए सुलभ हो जाएंगी, आपको आसानी से प्राप्त होगी। इसका आने वाले जो 3 महीने हैं उसमें भाग्य आपका पूरी तरह से सपोर्ट करेगा। इसका सीधा सा एक उपाय है कि आप सुबह, तो देखिए सूर्य उत्तरायण हुआ है और सूर्य जब उत्तरायण होता है तो सूर्य की भी सेवा करनी पड़ेगी, सूर्य आपका लग्नेश है। अब लग्नेश को थोड़ा बलि करने के लिए आपने क्या काम करना है, आप सुबह जल्दी जगिए, एक लोटा जल लेके उसमें थोड़ी सी लाल रंग की रोली डालिए, आधा चम्मच चावल, आधा चम्मच चीनी डालिए और सुबह सुबह उगते हुए सूर्य, सूर्य लाल होता है उस समय आप गायत्री मंत्र का जप करते हुए सूर्य को अर्घ दें। गायत्री मंत्र है ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये गायत्री मंत्र है, 5-7 बार 10 बार 11 बार इस मंत्र को बोल के आप सूर्य को अर्घ देते रहें तो ये बहुत ही अच्छा काम होगा सूर्य को बलि और सुख करने के लिए। मंगल का जो अगला गोचर है वो 5 फरवरी को मकर राशि में होने जा रहा है। यहां इनका जो प्रभाव है, मकर राशि में मंगल उच्च के बनते हैं और उच्च का मंगल बहुत बलि होता है। छठे भाव का मंगल तो बहुत बलि होगा, जो छठा भाव हमारे दुश्मनों का भाव है, बीमारी का भाव होता है, इससे कर्जे का भाव भी देखा जाता है, ऋण का भाव भी है ये। तो मंगल अगर यहाँ उच्च का होगा छठे भाव में तो आपके जो दुश्मन है इतना बड़ा शत्रुघ्नता योग बना देगा आपके लिए कि आपके दुश्मन आपके नाम से ही दूर भाग जाएंगे। अगर आपने कोई लोन ले रखा है, कोई लोन चल रहा है, अगर कोई पैसे की दिक्कत आ रही है, लोन नहीं चुक पा रहा आपका, तो ये भाग्य का स्वामी है, छठे भाव में उसका बैठा हुआ है, तो ये ऐसी रास्ता बनाएगा कि वो लोन भी आपको जल्दी से चुकता होने के उसके आसार बन जाएंगे। पैसे की दिक्कत होगी उसको बिल्कुल दूर दिखा देगा। छठे भाव में होने से मंगल अच्छा प्रभाव देगा, कोई छोटा मोटा रोग होगा शरीर में उससे आपको निजात दिला देगा और कोई भी बाधा, अगर कोई पैसे की दिक्कत आ रही है किसी भी तरीके की तो उसको भी आपके दूर करेगा। मंगल थोड़ा क्षत्रिय ग्रह, आपको पता है अग्नि तत्व तो होता है मंगल का, तो सावधानी थोड़ी जरूर रखें, वाहन चलाएं या कोई आग वगैरह ऐसी कोई चीज़ होती है उससे थोड़ा सा दूर रहें और तो और आप संभल के चलेंगे, शांत दिमाग से काम करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। मंगल का अगला गोचर 15 मार्च को आपके सप्तम भाव में होने जा रहा है। हालांकि यहाँ पर मंगल मांगलिक योग बनाकर बैठा है, सप्तम भाव मंगल मंगली योग बनाता है। मांगलिक योग पहले भाव में मंगल हो, चतुर्थ भाव में मंगल हो, सप्तम भाव में मंगल हो, अष्टम में मंगल हो या द्वादश भाव में मंगल हो तो मांगलिक योग बनता है। तो यहाँ पर जब मंगल बैठेगा तो मंगली योग बनाएगा। अब जितने बच्चे सिंह राशि के जन्म लेंगे इस 2-3 महीनों के दौरान, जब जब भी सिंह राशि आएगी, चंद्रमा जब गोचर करेगा सिंह राशि में, तो जो बच्चे जन्म लेंगे वो सब मांगलिक पैदा होंगे। मंगल फिर भी भाग्य से व्यापार के लिए बहुत बढ़िया प्रभाव देगा। यहाँ पर स्वग्रही शनि के साथ है, यानी कि शनि का घर है ये, शनि के घर में, शनि अपने घर में कुंभ राशि में बैठे हुए हैं, तो शनि और नुकसान देने वाला ग्रह वैसे माना जाता है सप्तम भाव में, लेकिन अपने घर का होने की वजह से शनि आपको नुकसान नहीं देगा। शनि स्वग्रही है और कोई भी ग्रह अगर अपने घर में बैठा है तो अपने घर को खराब नहीं करता है, तो शनि आपको हम नुकसान नहीं देंगे। मंगल जैसे ही भाग्येश बन के आएगा तो यहाँ सप्तमेश और भाग्येश का एक योग होगा, तो एक तरह से आपके लिए राजयोग बनेगा मंगल का और शनि का। शनि यहाँ 11 फरवरी को अस्त होने वाला है। अब सब शनि व्यापार का कारक होता है, कर्म का कारक होता है, तो सप्तम भाव व्यापार का है और शनि वैसे भी ऑलरेडी कुंडली में कर्म का कारक है, तो जब ये अस्त होगा तो आपके व्यापार पे अच्छा प्रभाव नहीं पड़ेगा, कहीं ना कहीं आपका नुकसान होगा, व्यापार ठप हो जाएगा, व्यापार का कारक ग्रह अस्त होगा तो ठप हो जाएगा। लेकिन जैसे ही शनि 11 फरवरी को अस्त होंगे, शुक्र जो आपकी कुंडली में बहुत बढ़िया कर्मेश हैं, राज्य के मालिक हैं, दशम भाव के स्वामी हैं,
वो आपकी मकर राशि में उनका गोचर होगा 11 फरवरी को। तो जैसे ही 11 फरवरी को शुक्र का गोचर मकर राशि में होगा, शनि की राशि में होगा, तो शनि जो कुप्रभाव देने वाला था उसको शुक्र की जो ये राशि परिवर्तन है अच्छे प्रभाव में बदल देगा। धन की कमी कभी नजर नहीं आएगी। जितने दिन शनिदेव व्यस्त रहेंगे पर चिंता की कोई बात नहीं, उसकी भरपाई शुक्र देवता का गोचर 11 फरवरी से और 7 मार्च तक ये मकर राशि में रहेगा। 7 मार्च के बाद में ये कुंभ राशि में आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जब तक शनि अस्त रहेंगे तब तक शुक्र का जो गोचर है मकर और कुंभ राशि में उस चीज़ की भरपाई कर देगा। पैसे की आपको व्यापार में दिक्कत नहीं होगी, पैसे आपके कहीं रुकेंगे नहीं, कहीं पेमेंट नहीं फंसेगी आपकी, काम धंधा आपका बढ़िया चलेगा जैसे चल रहा था। शनि के अस्त होने से कोई प्रभाव आपके ऊपर बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। शुक्र का काम होता है भौतिक सुख देना, स्त्री का सुख देना, वाहन का सुख देना, अच्छे मकान का सुख देना, धन का सुख देना, लग्जरी लाइफ जो होती है वो देने वाला शुक्र होता है। और शुक्र यहाँ जब मकर राशि में गोचर करेगा तो अच्छा प्रभाव देगा क्योंकि ये राज्य का स्वामी बनता है। छठा भाव वैसे नौकरी का होता है, जॉब का होता है, तो जो जॉब करने वाले उनके लिए भी प्रमोशन, मान सम्मान, इंक्रीमेंट सबको देगा जब तक शुक्र मकर राशि में रहेगा। उसके बाद कुंभ राशि में जाएगा तो वहाँ सप्तम भाव का प्रभाव देगा क्योंकि सप्तम का ये कारक होता है। तो जो शादी विवाह के लिए बच्चे पीछे काफ़ी समय से परेशान थे, उनकी शादी नहीं हो पा रही थी, उनके लिए शादी के योग बनाएगा, व्यापार को अच्छा करेगा, पति पत्नी में कोई मतभेद था, मनमुटाव था, उसको दूर कराएगा। तो यहाँ शुक्र का प्रभाव बहुत अच्छा रहेगा और शुक्र जैसे ही शनि के साथ मंगल के साथ वहाँ युति करेगा तो एक तरह से ये राजयोग बनाएगा। तो राजेश का, सप्तमेश का और भाग्येश का तीनों का जो युति गठबंधन है वो सप्तम भाव में हो रहा है, तो एक तरह से राजयोग बनाएगा और राजयोग पूर्ण रूप से बहुत अच्छा आपके लिए रहने वाला है। गुरु मंगल सूर्य के राजयोग के अलावा शुक्र शनि का राजयोग भी, चाहे बेशक वो विपरीत राजयोग है लेकिन बहुत अच्छा होता है। ये घटना बहुत अच्छी घटना है, आपको किसी तरह का नुकसान देने वाली नहीं है। बात करते हैं शुक्र का शनि की राशियों में गोचर, आपके पारिवारिक जीवन के लिए बहुत अच्छा रहेगा। शादी विवाह की वजह से जो हार है वो सारी खत्म करवा देगा, पति पत्नी का मनमुटाव दूर कराएगा, कोर्ट कचहरी का कोई भी काम अगर पेंडिंग था उसको दूर करा देगा, क्योंकि जो लावेश बुध है और जो धनेश बुध है वो भी तो सपोर्ट करेगा शुक्र को, तो उसका भी गोचर साथ साथ चल रहा है करीब करीब। सूर्य का, बुध का और शुक्र का, इनका तीनों का गोचर बहुत जल्दी जल्दी होता है। तो बुध तो करीब 15-20 दिन में स्थान चेंज परिवर्तन करता है, शुक्र भी 15-20 दिन में स्थान परिवर्तन करता है, सूर्य एक महीने में स्थान परिवर्तन करता है। तो तीनों ग्रह करीब करीब साथ साथ चल रहे हैं, लग्नेश के साथ ही हैं ये। अब बुध तो वैसे भी सूर्य का मित्र है, तो जैसे जैसे ये गोचर करेंगे सिंह राशि वालों के लिए लाभ होगा। कोई डॉक्यूमेंटेशन में कमी है तो लिखापढ़ी का काम जो बुध करता है बहुत अच्छा है, और बुध वैसे भी व्यापार का कारक होता है, वाणी का कारक होता है। तो जैसे जैसे इसके साथ लग्नेश चलेगा वाणी बढ़िया रहेगी, कहीं भी आपको अड़चन आएगी तो ये आपको सपोर्ट करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि शुक्र मंगल सूर्य शनि गुरु के साथ युति बनाते हुए 3 महीनों में आपको बहुत अच्छा लाभ देंगे। जनवरी से लेकर के और मार्च तक का समय है, धन वृद्धि कराएंगे। डॉक्यूमेंटेशन का काम अगर अधूरा होगा तो वो बुध देव के द्वारा आपका अवश्य पूरा कराया जाएगा, क्योंकि बुध लिखा पढ़ी के ग्रह होते हैं। राहु महाराज की बात करें तो राहु का जो अष्टम गोचर है कोई खास शुभ प्रभाव नहीं देता पर अचानक आपको धन लाभ कराता है। सूर्य के साथ राहु की युति ग्रह का जो दोष होता है उसको पैदा करती है, ग्रहण दोष बनाती है। और सूर्य राहु की युति 15 मार्च के बाद होगी तो यहाँ थोड़ा ग्रहण दोष बनेगा, तो यहाँ थोड़ा सा परेशानी पैदा करने वाला, थोड़ा स्वास्थ्य के लिए दिक्कत आएगी, जैसे सिर में दर्द, चेस्ट में दर्द, बुखार, इन्फेक्शन, ऐसा कुछ आपको हो सकता है। उपचार करते रहें, दवाई लेते रहें, आपको आराम मिलता रहेगा। ससुराल से संपर्क 15 मार्च के बाद थोड़ा बना के रखें। राहु और लग्नेश सूर्य की युति थोड़ा ठीक नहीं होती है, बना के रखें। सूर्य की राशि से आने वाले 3 महीनों में अच्छा परफॉर्म करेगी, आपके बिगड़े हुए सभी काम पूरे होंगे, धन के दृष्टि से समय बहुत उत्कृष्ट है आपके लिए, व्यापार या जॉब आप अच्छा कर पाएंगे। बात करते हैं कुछ उपाय की, उपाय क्या करने चाहिए अगर कोई ग्रह दिक्कत करता है तो। देखिए हमारा जो चैनल है ज्योतिष का, ज्ञान का, आध्यात्मिक का चैनल है, जो दर्शक हमसे नए जुड़ रहे हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल पर शाही को ऑन करें,
लाइक करें वीडियो को और अपना जो कीमती समय निकाल के आप वीडियो देख रहे हैं उसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। आपको अगर हमारा प्रोग्राम अच्छा लगता है कि पंडित जी हमें सही रास्ता दे रहे हैं, सही बता रहे हैं, तो हमारे वीडियो को शेयर अवश्य करें। कुंडली विशेषण हम करते हैं। अगर किसी को देश में या विदेश में अपनी कुंडली का विशेषण कराना हो, इसी नंबर पर हमारे जहाँ बात एक प्रोग्राम चल रहा है आपके सामने, हमारा एक व्हाट्सएप का नंबर आ रहा है, इस नंबर पर आप अपना डेट ऑफ बर्थ, आपका जन्म समय, जन्म स्थान भेजिए। कुंडली की दक्षिणा लेते हैं, फ्री सेवा नहीं है, मैं बार बार हर वीडियो में बोलता हूँ, तो लोग कुछ जब हमसे फ़ोन पे बात करते हैं, व्हाट्सएप पे आते, कहते हैं गुरु जी आपने तो कहा था फ्री सेवा है, मैं हाथ जोड़ता हूँ इसके लिए, फ्री सेवा नहीं है। दक्षिणा लेते हैं लेकिन अनुचित लेते हैं, कोई तरीके से किसी को सताते नहीं है, उचित लेते हैं और थोड़े से न्यून रूप में लेते हैं, थोड़ा सा लेते हैं। तो आप आइए, अपने जन्म पत्री का विशेषण कराइए, आपको शत प्रतिशत बढ़िया विशेषण मिलेगा और जो उपाय होंगे आपके वो भी बहुत अच्छे रहेंगे। हम जेम्स स्टोन जो ये नग होते हैं, हम स्टोन का भी डील करते हैं। तो अगर को आपको किसी प्रकार का भी स्टोन चाहिए, ओरिजिनल चाहिए, लैब टेस्ट चाहिए, उचित कीमत पे चाहिए, साफ सुथरा पीस चाहिए, तो आप हमारे संस्थान से संपर्क करें। आप इंडिया के अंदर अगर कहीं बैठे हैं, आप विदेश में तो लंबा पड़ता है थोड़ा किसी को भेजना, इंडिया में कहीं बैठे हैं तो कुरियर के द्वारा आपके गंतव्य स्थान पर उसको भेजा जाएगा। व्हाट्सएप के द्वारा आप संपर्क करें, अपना आप एड्रेस दीजिए, आपको एड्रेस पर भेजा जाएगा। एक गारंटी और होती है, अगर माल खराब है हमारा किसी तरीके से, हम आपको उसका पैसा रिफंड देते हैं, उसका किराया भाड़ा भी आने जाने का हम देंगे, पैसा भी आपको रिफंड करेंगे। बात करते हैं उपाय की। देखिए सूर्य के लिए जो सबसे बढ़िया ग्रह है खुद सूर्य है। अगर किसी का सूर्य किसी प्रकार से जन्म के समय पाप प्रभाव में है, अच्छा नहीं है, नीच का है, या शनि राहु केतु किसी के साथ की युति हो रही है, दृष्टि संबंध है, तो ऐसे सूर्य को थोड़ा बल प्रदान करने के लिए, या अंश में कमजोर है, नीच का है, या अंश बल बहुत ज़्यादा है, तो बढ़िया अंश बल जो होता है 12 से 18 तक होता है, अगर आपका मानो 24-25 का अंश का सूर्य है तो बढ़िया प्रभाव नहीं देगा, या 5-6 डिग्री का है तो बढ़िया प्रभाव नहीं देगा, तो उसको सुप्रभाव प्राप्त करने के लिए सूर्य को आप सूर्य आदित्य हृदय सूत्र का पाठ करें। एक आप नियम बनाइए कि रोजाना सवेरे जब आप पूजा पाठ करते हैं तो आदित्य हृदय सूत्र का पाठ करें, आपके लिए सबसे बढ़िया पाठ है वो, और सूर्य को पूरी ताकत और बल देने वाला पाठ है। इसके बाद आप हनुमान की सेवा कर सकते हैं। मंगलवार को हनुमान जी का व्रत करें आप, महीने में एक बार हनुमान जी को चूड़ा चढ़ाएं आप, और अगर मंगलवार को व्रत करते हैं तो रात को बिना नमक का खाना खाना है, और हनुमान जी के लिए आप एक पराठा बनाइए, थोड़ा उसमें गुड़ डालिए, गुड़ डाल के उसका चूरमा बनता है वो चूरमा बनाइए, देसी डालिए उसमें, और चूरमे का पहले हनुमान जी को भोग लगा के उसके बाद आप स्वयं उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। महीने में एक बार चूड़ा चढ़ाएं हनुमान जी के लिए, आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। अगर किसी प्रकार से आपकी बृहस्पति आपको सुप्रभाव नहीं दे रही है, जन्म के समय बृहस्पति की स्थिति ठीक नहीं थी, तो आप पुखराज भी पहन सकते हैं, लेकिन वो कुंडली विशेषण के बाद पुखराज भी पहन सकते हैं। तो ये था सूर्य महाराज की जो राशि सिंह राशि है उसका एक छोटा सा 2-3 महीने का मैंने आपको एक विशेषण बताया। प्रोग्राम कैसा लगता है अपने आप सलाह दें, अपनी राय दें, कुछ अगर चेंज कराना चाहते हैं, कुछ अच्छा नहीं लगता उसके बारे में भी लिखें, तो कमी हमारे अंदर भी हो सकती है, हम आपको भविष्य बता रहे हैं, हो सकता है हमारे में कोई कमी हो तो उसके तरफ भी हमारा ध्यान आकर्षित कराएं। आपका जो सुझाव होगा उसमें पूरा गौर किया जाएगा और आपको उसके लिए धन्यवाद भी दिया जाएगा। ये प्रोग्राम यही समाप्त करने की इजाज़त चाहता हूँ। आगे का प्रोग्राम कन्या राशि का लेकर इसी तरह होंगे, तब तक के लिए आगे दीजिए जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा।